नैनो वीडियो का ये इंट्रो देखते ही बहुत सारी BTS आदमी की दिल की धड़कनें रुक गई होंगी, जो BTS को अपना लवर और पता नहीं क्या क्या मानती हैं। लेकिन आदमी, ये तो आपको पता ही होगा कि आजकल फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि उनके फेवरेट K-pop आइडल्स काफ़ी महीनों बाद अपना कमबैक करने जा रहे हैं अपनी एक सोलो एल्बम के साथ, जो पिछले कई महीनों से आदमी मिस कर रही थी BTS के मिलिट्री में होने की वजह से। और ये मेंबर कोई और नहीं बल्कि BTS लीडर किम नामजून है, जो 24 मई को अपनी सोलो एल्बम राइट प्लेस रॉन्ग पर्सन रिलीज करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कल 10 मई को उनकी म्यूजिक वीडियो प्री रिलीज होने जा रही है, जो किसी और के साथ नहीं बल्कि फेमस की ड्रामा एक्ट्रेस किम मिना के साथ है। साथ ही साथ इसे डायरेक्ट कर रहे हैं एमी विनर डायरेक्टर ली संग जिन, जो बहुत बड़े कोरियन डायरेक्टर माने जाते हैं। लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन इस म्यूजिक वीडियो में हमें BTS लीडर किम नामजून पहली बार किस करते भी दिख सकते हैं, जो फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। हाँ आर्मी, अभी तक आपने BTS मेंबर्स को किसी फीमेल लीड के साथ देखा हो अपने आप में यही बड़ी बात होती थी, लेकिन अब ये सब तो ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन इससे भी एक अगली स्टेप बढ़ने वाली है, किस? जी हाँ, बहुत सारी BTS आर्मी को लगता है कि ली संग जिन, जो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत बार के ड्रामा में इस तरह के सीन्स दिए हैं वीडियो को और भी रोमांटिक बनाने के लिए, वो इस म्यूजिक वीडियो में भी इस तरह के सीन्स ऐड कर सकते हैं। हो सकता है हमें RM और किम मिन्हा इस म्यूजिक वीडियो में कुछ रोमांटिक सीन्स करते दिखें, किस करते दिखें, क्योंकि कल रात RM की इस म्यूजिक वीडियो का ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर देखकर RM बहुत ज्यादा उदास, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं। म्यूजिक वीडियो का नाम भी कम बैक टू मी है, तो ऐसा लगता है ये बहुत इमोशनल रोमांटिक वीडियो होने वाली है। तो फैंस को इसीलिए लगता है कि इस म्यूजिक वीडियो में हमें या तो बहुत जबरदस्त रोमांस देखने को मिलेगा या फिर कुछ ऐसा जो आज तक फैंस ने कभी ना देखा हो। अब वो तो हमें कल ही पता चलेगा जब म्यूजिक वीडियो रिलीज होगी। तो आप सब लोग स्ट्रीमिंग के लिए भी तैयार रहो, लेकिन तब तक इस म्यूजिक वीडियो को देखने के लिए, RM के रोमांटिक सीन्स देखने के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।